नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। करनाल के पंचायत भवन में शहरी एवं निकाय मंत्री कमल गुप्ता का कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। इस मीटिंग में ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य, तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कुल 18 शिकायतों को रखा गया, जिसमें से 5 पुरानी और 13 नई शिकायतें थी। पुरानी सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है, वहीं नई 13 में से 9 शिकायतों का भी समाधान किया गया, जबकि 4 शिकायतें पेंडिंग में हैं, जिन्हें अगली मीटिंग तक सॉल्व कर दिया जाएगा। कोई परिवार के झगड़े तो कोई पेंशन की समस्या तो कोई तालाब, पानी, बिजली, सड़क की समस्या लेकर यहां पर आया था। इन समस्याओं को सुनने के बाद ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों की शिकायतों को सुना गया। वहीं कमल गुप्ता मीडिया से भी मुखातिब हुए और उनसे जब पूछा गया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव होने हैं और विपक्ष का कहना है कि आप लोग चुनाव टाल रहे हैं, इस पर कमल गुप्ता ने कहा कि विपक्ष का काम है बोलना, पूरा प्रोसेस होता है। पहले वार्ड बंदी होती है, उसके बाद बाकी चीज़ों को पूरा किया जाता है, फिर जाकर चुनाव होता है। वहीं विपक्ष के उस बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया, जिसमें विपक्ष लगातार बोल रहा है कि भाजपा का इस बार विधानसभा चुनावों में सफाया हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कई बार अपने बयान में कहा है कि भाजपा की सीटें सिंगल डिजिट में आएंगी। इस पर उन्होंने कहा कि हम 50 के पार सीट जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। वहीं पहलवानों का मुद्दा इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है, पहलवानों को जंतर मंतर से उठा दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि ये दिल्ली पुलिस का मामला है, अगर कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इंद्री से हमारे संवाददाता जसविंदर शर्मा की रिपोर्ट। से ज्यादा आएंगे, ये बात आपकी ठीक है। मंत्री जी, आपने शिकायतें आज सुनी हैं, आपने कहा सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे, सिंगल में नहीं आएंगे, ये भी मैं भी कह रहा हूं। मंत्री जी आज डबल में आएंगे और हाफ सेंचुरी को क्रॉस करेंगे। मंत्री जी आज आपने शिकायतें, कमेटी के मेंबरों की अधिकारी नहीं सुनते तो आम जनता की क्या सुनते होंगे? नहीं, ये आपकी सोच है, ऐसी बात नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता को कहना है कि जा रहा है उनके अंदर फर्जीवाड़ा है, क्योंकि जो खाली जमीनें पड़ी थी उनका, आपका मतलब जिनको हमने वैध किया है उसमें हमने फर्जीवाड़ा किया है? नहीं, जिनको जिनके आप अप्रूवल के लिए फाइलें मंगाई जा रही है उनके अंदर फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा है तो उसको अप्रूव नहीं करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। सर, घूमफलौर जटलाना में माइनिंग सुना, सभी ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स को भी सुना, जनरल पब्लिक को भी सुना। इसमें 18 कंप्लेंट्स थी, जिसमें 5 पुरानी थी, जो कि 5 की 5 हमने सॉल्व कर दी, और बाकी जो 13 बची उसमें से 4 रह गई हैं, 9 उनको हमने सॉल्व कर दिया है। अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, कोई फैमिली डिस्प्यूट था, कोई बिजली की बात थी, कोई ज़मीन की बात थी, कोई नाले की बात थी, इस तरह से अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, जिसको हमने सबको सुना है और उनको सॉल्व करने का प्रयास किया है। 4 कंप्लेंट्स अभी पेंडिंग है, उनकी जो भी रिपोर्ट है जैसे भी अगली दफ़ा आएगी तो उसके आधार पर उनको अगली ग्रीवेंस कमेटी में सॉल्व किया जाएगा। सर, ज़्यादा मामले कौन से थे आज जो ग्रीवेंस में आए? सर, बड़ा मामला कौन सा है जिसको सॉल्व किया? मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जिन लोगों ने पैसे खाकर वो पेंशन बनाई थी, कोई बात नहीं, उसकी शिकायत आप कर दीजिए, उसके बारे में संज्ञान ले लिया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव होने हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप जानबूझकर उसे लेट करवा रहे हैं। विपक्ष का काम है कहना, कोई भी काम तरीके से और नियमानुसार होता है। वार्ड बंदी होगी, वार्ड बंदी होने के बाद सब चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, उसके बाद जल्द ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। पहलवान धरना दे रहे थे, उन्हें उठा दिया गया है सर, जंतर मंतर से क्या? अब ये तो लॉ दिल्ली का अपना काम करेगा। और पहलवान तो हरियाणा के हैं सर, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, फिर भी किसी भी व्यक्ति को ला को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, तो कहीं लॉलेसनेस होगी तो कानून अपना काम करे। मंत्री जी, करनाल में भी रिहायशी इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं। वो पेंडिंग पड़ी हुई है जी, सीएम अलॉटमेंट या दूसरे जो काम थे वो 7 लाख के। देखिए, कई काम छोटे होते हैं, कई काम बड़े होते हैं, तो जो छोटे काम होते हैं जो तुरंत होने वाले हैं वो तुरंत हो जाते हैं, कई काम बड़े होते हैं उसमें समय लगता ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर, अभी पिछले हफ्ते भी उन्होंने पूरे हरियाणा की जो
सीएम अनाउंसमेंट थी उन पर संज्ञान लेकर उनमें तेजी लाने का काम। वैसे आप सभी बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सभी सड़कें टूटी पड़ी है सर, लिंक रोड जितने भी हैं टूटे हुए पड़े हैं, हाईवे तो बढ़ा रही है सरकार लेकिन जो ग्रामीण। चलिए आपका धन्यवाद, कम से कम आपने एक बात तो मानी कि हाईवे की सड़कें बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जहाँ जो लोकल भी अगर कोई टूटी हुई है तो उसको संज्ञान में लेकर उसको तुरंत बनवाया जाए। मंत्री जी आज की जो शिकायत है, मंत्री जी आत्मविश्वास से भरी हुई है, वो कह रही है कि बीजेपी की सिंगल डिजिट में सीटें नहीं आएंगी जब विधानसभा की। सिंगल में थोड़ी आएंगी ना, वो तो 50 से ज्यादा आएंगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।